और परफेक्ट कपल अजय देवगन और काजोल हमेशा ही अपने खूबसूरत और प्यार भरे रिश्ते के जरिए फैंस का दिल जीत लेते हैं। हमेशा ही अपने खूबसूरत रिश्ते की मिसाल देते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको, इस वक्त अजय और काजोल एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन अजय देवगन के दूर हो जाने के बाद भी काजोल जश्न में डूबी हुई नजर आई हैं अपनी सासू माँ और अपनी ननद के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। दरअसल बता दें आपको, इस वक्त अजय देवगन केरल में है। जी हाँ, केरल के प्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला मंदिर पहुंच गए अजय देवगन भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए। अजय देवगन बीते कई दिनों से कई कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ काजोल जश्न में डूबी हुई दिखाई दी हैं। आइए बताते हैं अजय और काजोल के बारे में, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले सुपरस्टार अजय देवगन पहुंच गए हैं केरल। जी हाँ, केरल में सुपरस्टार अजय देवगन प्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। इस वक्त अजय देवगन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। बता दें आपको, सबरीमाला मंदिर जाने से अजय देवगन ने 41 दिन की कठोर साधना भी की है। भगवान अयप्पा के दर्शन करना आसान नहीं है। बता दें आपको, सबरीमाला मंदिर जाने से पहले किसी भी शख्स को कुछ कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। वहीं सिंघम अजय देवगन ने इन कड़े नियमों का पालन पूरी तरह से किया है और 11 दिनों तक जमीन पर चटाई बिछाकर सो रहे थे। 41 दिनों से उन्होंने सिर्फ काले कपड़े ही पहने थे। इस वक्त अजय देवगन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें आपको, सबरीमाला मंदिर जाने से पहले एक महीने तक नाखून और बाल नाक काटने व दाढ़ी ना बनाने जैसे नियमों का कठिन पालन करना पड़ता है। अजय देवगन जहां एक तरफ सबरीमाला मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ उनकी पत्नी सुपरस्टार काजोल जश्न में डूबी हुई हैं। घर से दूर हैं अजय देवगन और इस दौरान काजोल अपनी सिस्टर इन लॉ नीलम देवगन गांधी और मदर इन लॉ वीना देवगन के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट कर रही हैं। सोशल मीडिया पर काजोल ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। सोशल मीडिया पर काजोल ने अपने बेटे और अपनी ननद के साथ की खूबसूरत तस्वीर को शेयर किया है। वेल, इस तस्वीर को शेयर करते हुए काजोल ने अपने दिल की बात भी लिखी है। काजोल कहती हैं, ममाज एंड बेबीज एंड हैप्पीज हैशटैग हैप्पी लोहरी एवरीवन। इतना ही नहीं, इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में काजोल हाथ में थाली पकड़े हुए दिखाई दी हैं, जो कि पॉपकॉर्न से भरी हुई है। वहीं उनके बगल में खड़ी हुई हैं उनकी सासू माँ, यानी कि अजय देवगन की माँ वीना देवगन, और वीना देवगन के पास खड़ी हुई हैं उनकी बेटी नीलम देवगन। इस तरह से काजोल अपनी सासू माँ और अपनी ननद के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। बता दें आपको, काजोल अपनी सासू माँ के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं और इस वक्त वह अपने पति से दूर रहकर लोहड़ी सेलिब्रेट कर रही हैं। आप सभी ने देखा जाना कि लोहड़ी सेलिब्रेट करती हुई नजर आई हैं काजोल, और अपने फैंस को भी लोहड़ी की शुभकामनाएं देती हुई दिखाई दी हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।